नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेबर वेलफेयर फंड के बारे में। दोस्तों, अब अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारा आज का लेटेस्ट टॉपिक है लेबर वेलफेयर फंड, मतलब इसको हम शॉर्टकट में LWF बोलते हैं। तो इसके जितने भी हमारे पॉइंट हैं, सभी आप जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के, आप जब आप पूरा देखोगे। तो इसमें हमारा पहला हम डिस्कस करेंगे कि किस पे डिडक्शन होता है, किसके क्या बेनिफिट होते हैं, किस स्टेट में अप्लीकेबल है, इसके लास्ट रिटर्न डेट क्या होती है और कौन से स्टेट में कितना कितना किस स्टेट मतलब अप्लीकेबल होता है, कितना अमाउंट पे अप्लीकेबल होता है, किस पे अप्लीकेबल नहीं होता। तो जितना भी सभी जितने भी डाउट है इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा हम लेबर वेलफेयर फंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। श्रमिक कल्याण निधि एक वैधानिक योगदान है जिसे व्यक्तिगत राज्यों के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह जरूरतमंद लोगों के लिए धन या आवश्यकता के रूप में एक सहायता है। यह मजदूरों को उनकी कार्य स्थिति में सुधार करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी सहायता प्रदान करने के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके बच्चों के लिए, जो भी उसके मेडिकल बेनिफिट के लिए, जो भी उसको सहायता प्रदान करनी है छोटी मोटी, उसकी वजह से लेबर वेलफेयर बना गया। इसका कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी पे स्लिप जब आपके पास मंथली आती है तो आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास अमाउंट LWF के तौर पे डिडक्शन हो जाता है, 10 रुपये, 20 रुपये या मंथली क्वार्टरली कुछ ना कुछ आपका LWF का आपके पे स्लिप से कट जाता है। तो आप सोचते हो कि इसका बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट तो कट रहा है लेकिन आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या इससे आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिलते हैं। आपको कुछ लोगों को पता ही नहीं कि LWF का मतलब क्या होता है। तो ये LWF को इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया कि आप जागरूक करें और इसमें एम्प्लॉयर को भी पता चलेगा कि कितना डिडक्शन होता है, कितने सैलरी के हिसाब से। तो पूरा जितना भी ऑल स्टेट है मैंने पूरा कवर किया जितने से मेरा हो सका। कुछ डाउट हो तो वो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आपके पैसे लिप इसमें दिखाई दे तो आपके पैसे लिप में कुछ ना कुछ आपके 2 रुपये, 10 रुपये, तो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग डिडक्शन होता है। अब इसमें अलग नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, व्हाट इज़ द लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर फंड उन लोगों के लिए धन या आवश्यकता के रूप में सहायता है जो जरूरतमंद है। यह मजदूरों को उनकी कार्य स्थिति में सुधार करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके जीवन स्तर बढ़ाने की यह सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त कथन को सही ठहराने के लिए विभिन्न राज्य के विधानसभाओं ने विशेष रूप से श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिनियम बनाया, जिसमें श्रम कल्याण अधिनियम कहा जाता है। श्रम कल्याण निधि अधिनियम नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, लाभों और सुविधाओं को शामिल करता है। इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के योगदान के माध्यम से सुविधा दी जाती है। हालांकि योगदान की दर एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है, मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन होता है वह स्टेट का अलग अलग आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। तो ये किस लिए बनाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लेबर वेलफेयर फंड एक्ट बनाना पड़ा। तो इस अधिनियम का दायरा है कि इसे चिकित्सा परीक्षण, सामान्य उपचार, शिशु कल्याण, महिलाओं की सामान्य शिक्षा, श्रमिकों की गतिविधि सुविधाएं, विवाह, शिक्षा, अंतिम संस्कार आदि के लिए आवास, परिवारों की देखभाल और कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य सेवा तक विस्तारित है। इसमें राज्य विशिष्ट श्रम कल्याण नीति है और नियुक्ता कर्मचारी और कुछ राज्यों के योगदान से वित्त पोषित सरकार देती है। जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो इसका मतलब उसको जो लेबर हमारा श्रमिक काम करता है उसको उसको उपचार मिले, उसको शिशु उसके बच्चों का पढ़ाई वगैरह हो, महिलाओं की शिक्षा में बढ़े, तो उसका अगर उसके बच्चों का विवाह हो तो उसको एक कन्या राशि के रूप में दी जाती है जो आपको बहुत सारे इसमें उसको सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट रहेगा कि आप अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये किस यह कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, कितने स्टेट में है, तो भी हम इसमें बता रहा हूँ कि श्रमिकों को सामाजिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने श्रम कल्याण अधिनियम केस किया। यह अधिनियम केवल 37 राज्यों में से 16 राज्यों में लागू किया गया, मतलब 37 राज्यों में जिसमें से 7 में मैंने केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल किए, उनमें से ओनली 16 राज्यों में से लागू किया गया। जो अप्लीकेबल स्टेट्स हैं उनमें हमारा फर्स्ट आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो इनमें इन 16 जो राज्य हैं उनमें अप्लीकेबल है। तो जो नॉट अप्लीकेबल स्टेट कौन से हुए, जो इनको छोड़ के सभी जो UT वगैरह जो भी सेंट्रल में भी LWF में ही है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली, फिर दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये नॉट अप्लीकेबल स्टेट है।
फिर आगे लेबर वेलफेयर फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब है? श्रमिक कल्याण नीति अधिनियम ने प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय के लिए लागू नहीं है। ये कर्मचारी की जो उसकी अर्निंग होती है या उसके डेजिग्नेशन पर निर्भर करता है। जैसे सुपरवाइजर मैनेजर है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो हेल्पर होते हैं जो छोटे लेवल पे काम करते हैं ये अधिनियम उनकी स्थापना के लिए काम करे, इनकी सैलरी पर डिपेंड करता है। जैसे सभी स्टेट के लिए अलग सैलरी की डिफाइन की गई, ग्रोसरी 21,000 से ऊपर है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं पर 15, कहीं पर 3,500 रुपये, तो सभी स्टेट के अलग अलग उसकी अर्जित मजदूरी के अकॉर्डिंग बेनिफिट का बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। अब उसमें कर्मचारियों की संख्या के अधिनियम के प्रावधान राज्य विशिष्ट अधिनियम के आधार पर भिन्न होती है। तो किस उसमें एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग भी बेनिफिट मिलता है, कितने एम्प्लॉय होगा तब अलग अलग अप्लीकेबल होगा, नहीं तो सभी स्टेट के अलग अलग का अलग अलग रूल है। नेक्स्ट है कि हाउ डज द प्रोसेस वर्क, ये कैसे काम करता है, कैसे इसके डिडक्शन होते हैं, कैसे रिटर्न फाइल करने थे, उसका भी एक प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस ये है कि लेबर वेलफेयर में योगदान आप ईयरली कर सकते हो, हाफ ईयरली और मंथली किया जाता है। ये सभी स्टेट के अधिनियम मतलब सभी स्टेट के एक्ट के आधार पर स्कीम की आवृत्ति भिन्न हो सकती है। इसके अलावा यह आवृत्ति हाफ ईयरली तो कटौती की अवधि राज्यों विशिष्ट अधिनियम में उल्लिखित तिथि के अनुसार लगातार दो अवधियों में विभाजित किया जाएगा। नियुक्ता को कर्मचारी के वेतन से कटौती करने और नियत तारीख से पहले निर्धारित रूप में श्रम कल्याण नीति बोर्ड को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। मतलब जो भी आप डिडक्शन वगैरह करते हो, चाहे हाफ ईयरली ईयरली, तो वो एक लास्ट डेट होती है जिससे पहले आपको वो लेबर डिपार्टमेंट लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आपको जमा कराना होता है। अब इसमें नेक्स्ट कितना डिडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द एम्प्लॉयज मेनली इन ए मेनरिजिड कैपेसिटी और हु इज एम्प्लॉयड एज अप्रेंटिस ऑन पार्ट टाइम बेसिस उन पर एप्लीकेबल नहीं, और बाकी सभी एम्प्लॉय पर। इसमें रिटर्न हाफ ईयरली है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 30 रुपये और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 30 रुपये, टोटल 100 रुपये हो गए। डेट ऑफ डिडक्शन है 31 दिसंबर होती है और लास्ट डेट है 31 जैन, जो इसकी सबमिशन रिटर्न लास्ट डेट है। चंडीगढ़ में एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी अप टू ₹15,000 पर मंथ, जो 15,000 से ऊपर लेते हैं उनके लिए ये LLF का कोई बेनिफिट नहीं, उनसे नीचे वालों के लिए अब एप्लीकेबल। इसका मंथली है, इसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 5 रुपये और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपये, टोटल 25 रुपये लास्ट मंथ ऑफ डिडक्शन है इसका। और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ ऑल एम्प्लॉय दूज वर्किंग मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और एम्प्लॉयड इन ए सुपरवाइजर कैपेसिटी ड्रॉइंग एडवाइजर एक्सटेंड 10,000 पर मंथ, तो 10,000 से ऊपर सैलरी के उनके लिए एक्सेप्ट नहीं होगा, बाकी सभी के लिए एप्लीकेबल है। हाफ ईयरली है, इसका 15 रुपये, 45 रुपये, 60 रुपये और डेट ऑफ डिडक्शन है 30 जून, 31 दिसंबर, लास्ट है 15 जुलाई और 15 जनवरी। दिल्ली में इस सभी एम्प्लॉय को 2,500 है, तो मतलब सभी के लिए अप्लीकेबल हो गए। हाफ ईयरली है 0.75, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.25, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल हो गया 3 रुपये। तो ये 30 जून और 31 दिसंबर डिडक्शन डेट होती है, 15 जुलाई और 15 जनवरी इसका लास्ट डेट समझ होती है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गोवा वगैरह गुजरात ये सीट हो सके तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको वहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, वहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ऐसे में आपको सभी स्टेट के मैंने इसमें कवर किए गए, आपको हो सके तो ये पीडीएफ फाइल आपको आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें आपको केरला का दिखाया गया, इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इसमें इसमें कैटेगरी भी दी है कि कौन से एम्प्लॉय एक्सक्लूड हैं कौन से नहीं है। हरियाणा का दे रखा है 0.2%, मैक्सिमम 25 रुपये 30 कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, मंथली है 31 दिसंबर लास्ट है, वैसे 31 दिसंबर लास्ट डेट है लेकिन 31 जनवरी तक का था अभी, और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया कोरोना वायरस के, अब 30 जून तक आप इसे सबमिट करा सकते हो। ये कुछ स्टेट में ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है, कुछ में हाफ ईयरली होता है, तो सब स्टेट का अलग अलग अप्लीकेबल है। तो आप सभी स्टेट के अगर LLF एक्ट करोगे तो उनमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और बाकी ये उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल सभी का अलग अलग रिटर्न है, 5, 25, 25, सभी का हाफ ईयरली ईयरली या मंथली रिटर्न सबमिट होता है, आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। अब लेबर वेलफेयर फंड बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, इसमें बेनिफिट क्या मिलता है एम्प्लॉय को जो ये 500-200 रुपये जमा करते हैं, उनके बेनिफिट क्या? श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ, मतलब जो उनके एम्प्लॉय जो लेबर है उनका काम करें, उनके बच्चों को लिए उनको शैक्षिक सुविधा दी जाती है, उनके बुक्स के पैसे, उनकी जो पोशाक मतलब उसके जो स्कूल ड्रेस होते हैं उनके पैसे मिलते हैं। फिर जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नियुक्ताओं को दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, उनके श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं, मतलब जो उनको काम कर रहे हैं उनके परिवार के लिए भी एक
चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है लेबर एलिफेंट, और काम करने वाले श्रमिकों के लिए परिवहन की सुविधा, उनके आने जाने जो भी है ट्रेवल के भी लेबर एलिफेंट का पैसा कैश या जैसे भी है उनको आप प्रोवाइड करता है। संगीत, नृत्य, नाटक, खेल, पेंटिंग आदि के रूप में मनोरंजक सुविधाएं आमतौर पर कर्मचारियों के लिए एक शानदार कार्य वातावरण बनाने की पेशकश की जाती है। लेबर एलिफेंट की तरफ से संगीत, नृत्य, नाटक, खेल, पेंटिंग करा, जिसमें वो कोई अगर इम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको एक इनाम मिलता है, जिससे वो उसकी वातावरण बनाने की पेशकश का उसका एक शानदार कार्य जो उसका होता है रुचि उसमें उसका लगन बनी रहे। सेकेंड है उसके भ्रमण, पर्यटन या अवकाश कर दिया जाता है, जो अपने घूम सकता है तो भ्रमण कर सकता है, उसका भी एक बेनिफिट उसको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं एवं बेरोजगारी के लिए गर्भ उद्योग और सहायक व्यवसाय प्रदान करता है। लास्ट है कि कर्मचारियों को बच्चों को पौष्टिक भोजन भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी बेनिफिट है उसको बच्चों के लिए, उसके दाह संस्कार के लिए जितने भी बेनिफिट है वो सभी इस एक्ट में मिलते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, अगर आपको नहीं पता था अभी तक इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो सभी स्टेट के लिए अलग अलग बेनिफिट देता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसको नहीं पता तो वो अपना बेनिफिट जरूर लें, और सभी का स्टेट अप्लीकेबल अपने हिसाब से बेनिफिट देता है। जो हरियाणा का तो आपको दे सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ स्टेट का कुछ मिलता है, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कम, तो आप सभी अपना HR डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट है, जो भी आपका सैलरी प्रोसेस करता है उनसे पूछिए कि LWF का हमें बेनिफिट दिलाइए, क्या बेनिफिट मिलता है क्या नहीं। दोस्तों लेबर एलिफेंट से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिससे आपको ज़्यादा उड़ना चाहिए, और आपके मंथली या हाफ ईयरली जो डिडक्शन हो रहा है उनका बेनिफिट जरूर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।